ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेतिया के मझौले थाना क्षेत्र में स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टरों पर इलाज में बरती गई लापरवाही के कारण 18 वर्षीय एक युवती की मौत होने का आरोप लगा है। दरअसल खुटिया विशंभरपुर वार्ड नंबर 5 में रहने वाली शिवानी कुमारी को गले में कफ और सांस लेने में तकलीफ होने के कारण बीते रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि रात में जांच करने आए डॉक्टरों ने मरीज को इंजेक्शन दिया, जिससे एक घंटे के भीतर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर में कांटी थाना क्षेत्र के युवक की हत्या मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। घटना के 1.5 माह बाद भी परिजन प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भटक रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 27 फरवरी से गायब मृतक मोहम्मद महरूम निजाम का शव 4 दिनों के बाद नरकटियागंज रेलवे लाइन के पास से बरामद हुआ था। परिजन मामले में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि युवक की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। भाई मोहम्मद रहमत घर से गांव का ही दो लड़का मैंने बुला के लेके कौन लोग ले गया था? वो लाल बाबू राघोपुर का है और मेरे गांव का फैयाज उसका पिता का नाम है अलाउद्दीन मियाँ। ये दोनों लड़का बुला के लेके गया था, पैसे उसके अकाउंट पे बैंक से भेजा था। बोला था कि चलो मैं तुमको पैसा देते हैं, 4 लाइन के ऊपर उसका दुकान है पंचर का दरभंगा मोड़ पे, और वहाँ ले जाके खिला पिला के उसको हथिया कर दी। तो मुजफ्फरपुर की घटना है जहाँ एक परिजन को अपने बेटे की हत्या करने का परिजन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पर प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रहे हैं पुलिसकर्मी। लगातार इसकी शिकायत की जा रही है, थाने भटक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में एक युवक 27 फरवरी से लापता था, जिसका शव रेलवे लाइन के पास मिला, जिस पर परिजनों ने पुरुष के युवक के हत्या का आरोप लगाया। सहरसा के महेशी प्रखंड के अंतर्गत सिरवार वीरवार पंचायत में अचानक आग लगने से घर जलकर राख हो गया। आग लगने से घर में रखा अनाज और कई मवेशी जलकर खाक हो गए। हालांकि वक्त रहते ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया, वहीं जानकारी देने के बावजूद कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।